जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है, जिन्होंने लगभग 30,000 से ज्यादा फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वो भारतीय सिनेमा की पार्श्व गायिका के रूप में जानी जाती हैं। नमस्कार, मैं प्रीति शुक्ला स्वतंत्र कला के फनकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं स्वर साम्राज्ञी राष्ट्र की आवाज भारत कोकिला, स्वर कोकिला जैसे उपनाम से जानी जाने वाली राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार, फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, फिल्म फेयर आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से नवाजी जाने वाली विश्व प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी के बारे में आप सभी को बताने जा रही हूँ। टाइम पत्रिका ने उन्हें एक छत्र साम्राज्य के रूप में स्वीकार किया। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है। प्यार से सब उन्हें लता दीदी कहकर बुलाते हैं। लता जी का जन्म तो इंदौर में हुआ था, पर इनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वो बचपन से ही गायिका बनना चाहती थी, पर उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों के लिए गाना गाए। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेंगी। पिता की मृत्यु के बाद महज 13 वर्ष की आयु में लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। इसके बाद लता कई फिल्मों के लिए गाने गाती रहीं। इसके बावजूद लता को एक खास हिट फिल्म की तलाश थी। सन 1949 में लता को मौका मिला फिल्म महल में आएगा आने वाला गीत से। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह फिल्म सुपर हिट रही। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक मात्र ऐसी जीवित व्यक्ति थी जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते थे। वे हमेशा अपने पांव से चप्पल उतारकर नंगे पांव ही स्टूडियो या स्टेज पर गाती थी। 92 वर्ष की आयु में 6 फरवरी 2022 को मुंबई में उनका निधन हो गया। लता जी के गाए गानों के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगी तो ऐसा लगेगा मानो सूरज को दिया दिखा रही हूं। इसलिए उनके गानों के विषय में मैं नहीं, बल्कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लिखकर बताइए कि आपको लता जी का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है। और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ और अगले संडे को मैं नए कलाकार के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक मुझे यानी प्रीति शुक्ला को इजाजत दीजिए। नमस्कार। और सीधे चलते हैं अब्दुल कवि के पास और देखते हैं कि आज वो हमें किस नए उभरते सितारे से मिला रहे हैं। नमस्कार, शुक्रिया प्रीति जी। और स्वतंत्र कला के फनकार में आज आपको मैं एक ऐसी कला के फनकार से मिलवाता हूँ जिसने एक कम उम्र में एक बहुत बड़े कारनामे को अंजाम दिया है। कला किसी भी तरह की हो, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर कला है, कहीं ना कहीं वो निखर के सामने आती है। मैं आपको बताऊं, आज मैं हूं कस्बा खीरी में, जो लखीमपुर मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे मैं कई तरह के टैलेंट्स देखने को लोगों में मिले हैं। आज मैं जिस टैलेंट की बात कर रहा हूँ वो गायकी का टैलेंट है। और गायकी का टैलेंट कहते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से एक गॉड गिफ्ट होता है जो हर किसी इंसान में नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों में होता है। कुछ लोग उसको अपनी गायकी को तराशते हैं और दुनिया में, देश में अपना नाम पैदा करते हैं। आज मेरे साथ में एक बहुत ही कम उम्र की एक छोटी सी बच्ची है, उससे मैं बात करूंगा, उनकी सिंगिंग को आपको सुनवाऊंगा। और मैं आप ये फैसला करेंगे, आप ये देखेंगे कि इतनी कम उम्र में वो बच्ची कहाँ से कहाँ तक जा रही है। आइए हम आपको मिलवाते हैं आयमन अंसारी से। पता क्या नाम आपका? मेरा नाम एमन अंसारी है। एमन अंसारी, आपकी क्या उम्र होगी इस वक्त? सर, मैं इस वक्त 17 साल की हूँ। 17 साल की। और आपने ये सिंगिंग, आपने गायकी कब से शुरू की? सर, सिंगिंग तो मेरी बचपन से ही स्टार्ट। सर, मुझे जब से मुझे
जब से मैं सर जानने थोड़ा समझने वाली हुई तो सर सिंगिंग के प्रति मेरा आकर्षक हमेशा से ही रहा है सर, बचपन से ही। किसको ऐसा आपने गाना गाते हुए देखा तो आपको लगा कि हम भी गा सकते हैं, या किसी ने आपसे कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हो तब आपने उसके बाद अपना प्रैक्टिस शुरू किया और गाने लगे? सर मैं जब छोटी सी थी ना तो सर जब कभी टीवी पे या सर कहीं भी गाना बजता था तो मैं उसको बैठकर सुनती थी। सर मुझे बताया तो कभी किसी ने नहीं है, और मतलब सर खानदान के घर के लोगों ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम कर सकती हो सर। बट मुझे बचपन से ही सर संगीत से और मतलब लता मंगेशकर जिससे उनके गानों से सर हमेशा से ही मुझे प्यार रहा है। अच्छा, आपने किसी कहीं पे किसी इंस्टीट्यूट में जाके इसको गायकी को सीखा है या अपने आप से आप इस तरह से गाने गाते हैं? नहीं सर, ये ऊपर वाले की ही देन है सर, मैंने सीखा नहीं सर, खुद से ही गाती हूँ। खुद से गाती हूँ। किस तरह के गाने अभी तक आपने गाए? सर मैंने तो उसे जो लता मंगेशकर जी हैं सर ज़्यादातर उनके ही गाने में गाती हूँ सर, जो कि क्लासिकल हो सर, बॉलीवुड हो सर, उनके ही गाने में ज़्यादा गाती हूँ, उनके गाने जी, लता जी के। अच्छा, तो इससे पहले आपने किसी, आपको कोई बड़ा स्टेज मिला है जहाँ पे आपने जाके गाना गाया हो और आपको पब्लिक की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला? हाँ सर, हुआ है, क्योंकि सर अभी जब इलेक्शन था बीच में तब सर मैंने वहाँ पे सर मैं अक्सर मेरे ख्याल में नहीं उस जगह का नाम सर मैं वहाँ पे गई थी, तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता सर मुझे, मैं जहाँ पे स्कूल में सर पढ़ती थी वहाँ से भी मेरे फ्रेंड्स का, मेरे टीचर्स का सर अच्छा सपोर्ट। हाँ सर, मैं जिनको भी जो कहते हैं मुझे सॉन्ग सुनाने के लिए सर वो अच्छा ही कहते हैं सर, उनका सपोर्ट ही रहता है मुझे। अच्छा, एक सवाल और है कि आपके जो पड़ोसी हैं या आपके जो कस्बे के लोग हैं, क्या वो अक्सर आपको इस चीज़ के लिए इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं कि आप आइए, थोड़ा सा मेरे वहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम है और यहाँ पे आके आप अपनी सिंगिंग कीजिए? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, बट सर मतलब ऐसा हो रहता है सर कि जो मोहल्ले के लोग हैं अगर मतलब सर शादी, और सर शादी में तो इनवाइट करते हैं सर वो रिलेशन की तरफ से, पर जब मैं जाती हूँ सर उनको, और उनको जब पता लगता है सर कि हाँ मैं गाना गाती हूँ, तो सर वो मुझसे एक दो बार सर ज़रूर कहते हैं गाना गाने के लिए। बाकी सर मेरे पड़ोसी हैं सर, जब भी इनका दिल होता है मेरे से सुन लेते हैं सर, मतलब सर जिसको भी पता लग चुका है कि हाँ सर मैं गाना गाती हूँ, अगर वो उनसे कभी मेरी मुलाकात होती है तो सर वो सिंगिंग के लिए मेरे से ज़रूर बोलते हैं। एक सवाल और, अभी आपके वाले साहब से मेरी बात हो रही थी तो मैं जानना चाहूँगा आपका खीरी से जो मुंबई तक सारे गमा में या इंडियन आइडल में जो सफ़र रहा उसके बारे में थोड़ा सा बताया। सर पहला तो ऑडिशन सर मैंने इंडियन आइडल का दिया था, अब सर इस साल मैंने सारे गामा पास का दिया था सर, मैं सारे गामा में फर्स्ट राउंड से मेरा पास हो गया था सर, बट मुझे कुछ अपने अंदर सर कुछ थोड़ा सा कमी लगा, तो सर तभी मैंने उस दूसरा राउंड सर देना पॉसिबल नहीं समझा सर, तभी मैंने उसको छोड़ दिया, तो मुझे लगा सर मैं थोड़ा और तैयारी करती हूँ तब जाकर मैं दोबारा ऑडिशन देती हूँ सर। तो जैसा आपने देखा कि टैलेंट के लिए कोई जगह, कोई मुकाम, एक खीरी कस्बा, खीरी एक बहुत छोटी जगह है और छोटी जगह से एक बहुत बड़ा टैलेंट निकल कर सामने आ रहा है। आइए अब हम उनसे कुछ उनकी सॉन्ग्स, कुछ उनके गायकी के बारे में सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरह के गाने लता मंगेशकर जी, क्योंकि फॉलो करती हैं लता मंगेशकर जी, एक बहुत बड़ी सिंगिंग आइकॉन हैं, तो जानते हैं, देखते हैं किस तरह से उनके गानों को गाती हैं। मैं अब आपसे सबसे पहले तो लता जी का जो आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग है वो सुनना चाहूँगा। सर उनका सबसे सर उनके सभी गाने बहुत बेहतरीन सर, बहुत अच्छे सर मुझे, पर सर मुझे जो सॉन्ग ज़्यादा पसंद है सर वो लग जा गले हैं सर, मुझे बहुत पसंद है, तो सर मैं उसी की आपको दो लाइनें सुना देती हूँ। लग जा से हमको मिली है
बहुत खूब बहुत खूब। हालांकि मुझे सिंगिंग के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इस बच्ची को सुनने के बाद मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि एक दिन ऐसा बहुत करीब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो सितारा है छोटा सा, ये आसमान पे चमकता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि आवाज़ जिस तरह की है और जिस तरह की सिंगिंग है उससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं। तो काम किया करो। इसके अलावा और किस तरह के सॉन्ग्स आपने गाए हैं? कुछ भक्ति गीत, कुछ धार्मिक तरीके से गाने भी गाए हैं? हाँ जी, धार्मिक सॉन्ग है जो वो भी लता जी का ही है, सर सत्यम शिवम है सर, मैं वो भी आपको सुना देती हूँ। दो लाइन लता जी होती तो आज इस बच्ची को वो अपना पूरा प्यार और पूरा स्नेह देती। इसके साथ में मैं आपसे एक आखिरी काम और सुनना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दर्शक आपकी सिंगिंग को बहुत ज़्यादा सराहेंगे और उनकी ये ख्वाहिश होगी कि वो आपको सुनते रहें। कहीं ये वो तो
मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि मैं अपने स्वतंत्र प्रभात की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं स्वतंत्र प्रभात की तरफ से आशा करता हूँ कि आप बहुत जल्द आसमान में एक सितारे की तरह चमकें और अपना कस्बे का, अपने लखीमपुर खीरी के कस्बे का और अपने देश का नाम रोशन करें। अब्दुल कवि कैमरामैन रिंकू खान के साथ।